राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। संत शिरोमणि गुरु रविदास की आज जयंती है। इस अवसर पर हरियाणा के नरवाणा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें नमन किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल भौतिक विकास ही सरकार का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, अपितु सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। संतों की शिक्षा पर चलना समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से समाज की कुरीतियां समाप्त हो जाती हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये केवल एक जयंती का अवसर नहीं है, बल्कि जिसको सांस्कृतिक भाषा में एक यज्ञ अनुष्ठान कहा जाता है, एक यज्ञ अनुष्ठान है। हम अपने ऐसे समाज को आज उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका अपने श्रद्धा पात्र गुरु रविदास जी की शिक्षा से आगे बढ़ते हुए इस देश और समाज की हम सेवा कर रहे हैं। और हमारे यहां जब इस प्रकार की जयंतियों का विचार हम करते हैं तो समाज के हर वर्ग के जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियों का हम लोग मनाने का कार्यक्रम चला रखा है। जब सत्ता में 2014 में मैं आया था तो उस समय हम लोगों को ये लगता था कि जैसे जनता भी यही मानती है, सरकार आएगी तो विकास के काम करेगी, सड़कें बनवाएगी, भवन बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, छोटे से बड़े ऐसे जो विकास जिसको कह दिखने वाले ऐसे विकास, भौतिक विकास ये अगर करेंगे तो इस समय से लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। लेकिन जब आगे करते हुए हमें ध्यान में आया कि जनता का भी हमको जो स्तर है वो ऊंचा उठना चाहिए, उनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठना चाहिए, उनका सामाजिक इस नाते से भी एक रूपता ये दिखनी चाहिए, आपस में बिना भेदभाव के और हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आखिर शिक्षा, आखिर संस्कार, जीवन के अंदर ऐसी चीजों पर भी उल्लेख करते हुए जब हमने विचार किया कि हमारे संत महापुरुष जो हैं उनकी शिक्षा इस पर समाज चले, तो हमने एक नई योजना बनाई, संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना। और उसके अंतर्गत जितने संत महापुरुष हैं, गुरु रविदास जी, इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी, भक्त कबीर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी, तो कितने ही संतों के हमने जयंतियों के कार्यक्रम ये किए हैं। और इसका हेतु एकमात्र ये है कि यदि हम इनकी शिक्षाओं पर अपना चलना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। हमारा जो दिन दिन काम करते हुए जिसमें जितने प्रकार के तनाव आते हैं, हमारी जो कुरीतियां हैं, जो जीवन की बुराइयां हैं, वो सब समाप्त होती हैं। और ये बहुत बड़ा काम है, रोजगार देना, कमा लेना ये एक काम है, लेकिन उसके माध्यम से अपने समाज में लोग एक अच्छी दिशा में काम करें, उनका वातावरण अच्छा होगा तो हम दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। तो समाज के सुधार की ये सब बातें, ये सब हमको करनी होंगी। हमको अपने भेदभाव ये दूर करने होंगे, खास करके ये जाति पाति का भेदभाव बहुत समय से पता नहीं कब शुरू हुआ, किस बात को लेकर शुरू हुआ। वास्तव में कोई इस प्रकार की जाति जैसे आज है ये पहले नहीं होती थी। हम कर्म के आधार के ऊपर अपने अपने काम में लगे थे, काम करते थे, कर्म योगी थे, लेकिन जन्म जन्मांतर जातियों ने रूप ले लिया, वो अच्छी बात नहीं है, भेद खड़े हो गए। इन भेदों को दूर करने के लिए 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, और इस भक्ति आंदोलन में ऐसे ऐसे संत महापुरुष जिसमें गुरु रविदास जी, जिसमें मीराबाई, गुरु नानक देव जी, ऐसे कितने ही संत हुए, इन संतों ने अपने समाज को एक दिशा दी। जो उनका सोयापन था, जो उनके मन में एक निराशा का भाव था, उसको दूर करके और समाज हित में जागृत करने का काम किया।
हमको सारी चीजें चाहिए जो सरकारों को करनी है, साथ में अपने समाज को भी सुधारना है। तो जो समाज को सुधारना है उस नाते से ये सब चीजें हमको करनी पड़ेंगी। अपनी कुरीतियां, अपनी बुराइयां, इनको दूर करना पड़ेगा। और कुरीति बुराइयों को दूर करने के लिए संतों का, महापुरुषों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र प्रथम। वंदे मातरम। जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।